की दरी चलानी हो। किस दिन चलानी है? स्पोर्ट्स जॉब को मुश्किल हो गया था रखना, जेल में प्रेशर बढ़ता था, लर्जादारी था उस वक्त की गवर्नमेंट, उसे अपना घुटनों पे बैठना पड़ा कि आप कब तक अंदर रख लेंगे उन्हें, वो राजी नहीं बाहर जाने पे, ना वो किसी डील पे राजी है, तो फिर आप करेंगे क्या उनका? सिर्फ इसे गंडापुर से इतना पूछ लीजिए, तुम सीएम कैसे बने थे? मैं कह रहा हूँ, अब आप अगर ये समझते हैं कि बहुत बड़े उस वक्त से जब मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ होंगे और कंटेनर सज जाएगा बड़ा, हमने प्लान ए पे कामयाबी हासिल की है। और अगले को प्लान बी दिखाया और धमकाया कि ये देख ले, और फिर प्लान ए पे कहा कि साइन करें। और पीटीआई के लोग इस बात को कह रहे थे कि ये तरमीम काबिले कबूल है, लेकिन हम सही को सही नहीं कह सकते क्योंकि खान साहब बड़ा नाराज हो जाते हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चले जाएं किस दिन डायलॉग? क्या हर जगह नवाज इमरान खान के घर गए हैं कि आगे चलते हैं। फजलुर रहमान साहब हमें कहते रहे ओके ना करो, ये गले पे जाएगा एक दिन, और साढ़े गले पे आ गया। बात अब ये है कि आप जब दो केसेस में बरियत है, कन्विक्ट भी नहीं है इस वक्त, ट्रायल बेस पे अंदर है, कब तक रखेंगे अंदर? और वहां उन्होंने गंडापुर साहब ने कहा है कि वो आपके अजा आप पूरे के पूरे खान साहब के हैं, आप फिर भी अपना मुस्कुरा रहे हैं। किस तरह जी भाई, हलफ लिया उन्होंने जेन्युइन बना दो, वो वगैरह तुम बोल की दरी चलानी है। किस दिन चलानी है? सॉरी शेर आ गया तो क्या करेंगे? मैं तो उसकी तैयारी, देखिए पाकिस्तान 16 महीने की हुकूमत और ये 9-10 महीने साल जो कुछ इन्होंने हथकंडे थे ना, जो सियासी कार्ड थे सारे खेल लिए, इस्तीफे दे के देख लिए, असेंबलियाँ तोड़ के देख ली, लॉन्ग मार्च करके देख लिया, पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर लॉन्ग मार्च से लेकर उसके बाद 25 मई 2022 को इस्लामाबाद का घिराव, और पता नहीं इस दफ़ा अब 2-4, इसके बाद क्या करना है? सबसे ज़्यादा सियासी जमात की स्पोर्ट जो आपको मुश्किल हो गया था रखना जेल में, प्रेशर बढ़ता था, और आपको याद है कि वो प्रेशर का ये आलम हो गया कि कॉलम आना शुरू, बात बढ़ गई इस कदर बढ़ गई कि लर्जादारी था उस वक्त की गवर्नमेंट और वो ना सस्टेन कर सकी, उसे अपना घुटनों पे बैठना पड़ा, और वो चले जो भी हुआ बाहर चले गए एक डील के नतीजे में या किसी एग्रीमेंट के नतीजे में, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, मैं मुद्दा ये है कि आप कब तक अंदर रख लेंगे उन्हें? और बाहर रखने पर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मोहतरम हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को बाहर भेजेंगे तो ये बाहर जाके बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि वो राजी नहीं बाहर जाने पे, ना वो किसी डील पे राजी है, तो फिर आप करेंगे क्या उनका? आपका ख्याल है कि ये जो गंडापुर की हुकूमत चल रही है, सिर्फ इसे गंडापुर से इतना पूछ लीजिएगा कि वो पेशावर में का एक उम्मीदवार था, मैं उसका नाम भी बता दूंगा, वो हार कैसे गया था और तुम सीएम कैसे बने थे? ठीक है, और उसके बाद आप समझते हैं कि मैं कह रहा हूँ, अब आप अगर ये समझते हैं कि गंडापुर कोई इनकलाब लाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर मैं आप बड़े उस वक्त से जब मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ होंगे और कंटेनर सज जाएगा बड़ा, और फजलुर रहमान साहब को कैसे डील करेंगे? 26वीं तरमीम में सबसे बड़ी कामयाबी हुकूमत की 26वीं तरमीम ने, जो बाद में अमेंडमेंट्स आपने किए हैं, 26वीं तरमीम में सबसे बड़ी कामयाबी 26वीं तरमीम नहीं थी, मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ खड़े कर। किस से लड़ते वो, कैसे लड़ते? मैंने कहा बेचारे अपने शोर ज्यादा इलाकों में लड़ रहे हैं, फिर रियासतें पाकिस्तान के साथ, मैं कह रहा हूँ हमने कायल किया है, हमने उन्हें ऑन बोर्ड किया। नून लीग का 90% और पीपल्स पार्टी का 95% कह रहे थे कि मौलाना के बगैर काम ओके है, वो तो आप जैसे कुछ ना हमारे जैसा नहीं है, ना सारी मौलाना का ऑन बोर्ड लें सब बिल्कुल सारा खुद करना चाहिए। ना देखिए प्लान बी होना चाहिए, और प्लान बी होता है और होना चाहिए, लेकिन हमने प्लान ए पे कामयाबी हासिल की है। अगले को प्लान बी दिखाया और धमकाया कि ये देख ले, और फिर प्लान ए पे का के साइन कर। नहीं देखिए, वो कहते बड़ी माइल्ड हो गई है तरमीम, बड़ा हमने एक कंसेंसस पैदा किया, और पीटीआई के लोग इस बात को कह रहे थे कि ये तरमीम काबिले कबूल है, लेकिन हम सही को सही नहीं कह सकते क्योंकि खान साहब बड़ा नाराज हो जाते हैं।
प्लान बी ये था कि तरीके इंसाफ भी साथ हो, हम मौलाना ऑन बोर्ड ले लें उन्हें। हम तो आज भी कहते हैं कैसे चले वो आपके साथ, मेरी बात सुने, सबसे पहले मैंने आपको कहा बिहेव, वो करेंगे, करना शुरू करें ना कुछ कुछ। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चले जाए, नवाज शरीफ की कोई इको नहीं है पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ नवाज शरीफ ने जब वो इख्तदार में थे तो जितने फैसले थे यमन से लेके आर्मी कोर्ट से लेके नेशनल एक्शन प्लान, तमाम जमातों को अपने साथ ला बैठा के किए। इमरान खान के घर गए, सड़क बनवाई है मुझे याद है, घर गए हैं कि आगे चलते हैं। और केपीके की हुकूमत अतिये में दी है, फजलुर रहमान साहब हमें कहते रहे ओके ना करो, ये गले पे जाएगा एक दिन, और साढ़े गले पे आ गया 2013 में। आप उसके नंबर्स निकाल लें उस वक्त, हम पूरे कर सकते। के पास पक्की इंफॉर्मेशन होती हैं, इंफॉर्मेशन के बंदे हैं, इस वजह से वो आज भी बड़ी इंफॉर्मेशन लिए फिर रहे हैं। तो आप देखिएगा जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब टफ ना हो जाए आपके लिए। देखिए मैं तो, हम सियासी लोग हैं। देखिए मेरी एक और भी है, बहुत सारा काम सियासी लोगों ने ही निपटाना होता है, अगर वो ना कर सकें वो काम तो फिर अजीब गरीब तरह की उन पर लेबलिंग होती है कि ये तो कर ही नहीं पा रहे। देखे ना, कर ही नहीं पा रहे। देखें जिस रात वो स्टैंड स्टिल रही आपके पार्लियामान, तो वो अच्छा इमेज तो नहीं गया था ना। क्यों दो दिन पूरी फजलुर रहमान को आ रहे हैं जा रहे हैं वो आई नहीं, तो कितना देखें बैकफुट पे जाना पड़ा, फिर रिविजिट करना पड़ा, नया खून ऐड करना पड़ा तहरीक को। सर जी देखिए जितने भी कामयाब फाते हैं ना जी, पलटना झपटना झपटना पलटना, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये तो नहीं ना ये। और मकसद है और मैं आपको बता दूं 26वीं तरमीम में सबसे बड़ी हुकूमत की कामयाबी पीटीआई को सियासी तौर पे कमज़ोर और एक्सपोज करना था, मौलाना फजलुर रहमान और उसके दूसरों लोगों को अलहदा।